Good morning, everybody. Affirmation of the day. I am stronger than I think I am. There being many times in life which you won't really have control over. You might encounter many circumstances that will hurt you, that will cripple you, that will break you. But it will also make sure that you learn something. Learn to grow through what you go through. Remember that you might be hurt, but eventually you will evolve as a stronger person. When you encounter such situations, such circumstances, don't run away from them. Face them, learn from them, and get the best version of yourself out of all that you encounter, especially when it is not at all under your control. जिंदगी में ऐसे काफी समय आएंगे जब जो आपके नियंत्रण में नहीं होंगे. तो जब ऐसा कुछ हो तो संयम रखे, धैर्य रखे और याद रखिए, जो वक्त है वो आपको कुछ सिखा रहा है. एक कहावत है, द विल ऑफ गॉड विल नेवर टेक यू वेयर हिज ग्रेस कांट प्रोटेक्ट यू. इसलिए याद रखना है कि अगर आपको ईश्वर किसी परिस्थिति में डाल रहे हैं, इसका अर्थ ये है कि वो जानते हैं कि आप इस परिस्थिति को ओवरकम कर सकते हैं सक्सेसफुली. अगर जो शिक्षक रहता है ना, वो अपने सबसे अच्छे विद्यार्थी की परीक्षा थोड़े बेहतरीन तरीके से लेता है ताकि वो निखर के आए. तो जब आप ऐसी परिस्थिति में आए तो आपको हिम्मत रखनी है, आपको अपने अंदर का जो सशक्त चरित्र है उसमें निखार लाना है, और अपनी ज़िंदगी को जो तकलीफें हैं उससे सीख के उनका सामना करके, उनसे भागना नहीं है, उनका सामना करना है और उसमें अपने आप को निखार लाना है, सुधार लाना है, और ज़िंदगी की ये जो ब्यूटीफुल जर्नी है उसे जीत जाना है. थैंक यू.